सनी देओल की फिल्म गदर 2 को रिलीज हुए एक साल हो गए हैं। ये उनकी कमबैक फिल्म रही है। इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी। फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और अब एक इंटरव्यू में उन्होंने गदर 2 पर बात की है। अनिल ने कहा कि सनी 50 करोड़ रुपए की फीस डिजर्व करते हैं। अनिल ने कहा कि यही बात बोलकर उन्होंने सनी से गदर 2 साइन करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भरोसा नहीं था कि गदर 2 इतनी सफल फिल्म साबित होगी। फिलहाल अनिल अपनी नई फिल्म वनवास अ जर्नी ऑफ लाइफ पर काम कर रहे हैं। इसकी शूटिंग खत्म हो गई है। इस फिल्म में नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा अहम रोल्स में हैं। बॉलीवुड हंगामा से अनिल ने अपनी नई फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया, फिल्म का टाइटल वनवास अ जर्नी ऑफ लाइफ है। रामायण में पिता ने बेटे को वनवास भेजा था, अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। हर घर में वनवास हो रहा है। ये एक इमोशनल ड्रामा है। मैंने पहले श्रद्धांजलि, बंधन कच्चे धागों का और अपने जैसी फिल्में बनाई हैं। ये फिल्म भी उसी जोन की है। ये आज के समय की सबसे ज़्यादा प्रासंगिक कहानी है, जिसमें दिखाया जाएगा कि बुजुर्ग लोगों के साथ समाज में क्या हो रहा है। इसमें नाना पाटेकर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उत्कर्ष और नाना के बीच के सीन्स कमाल के हैं। इसी बातचीत में अनिल से सनी देओल के कमबैक में उनके योगदान के बारे में पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 के बारे में सोचा और सनी सर को बताया, मैंने उनसे कहा कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए क्योंकि आप एक फिल्म के 50 करोड़ रुपए की फीस डिजर्व करते हैं और गदर 2 आपको ये हासिल करवाने में मदद करेगी। फिल्म की डिमांड इतनी थी कि सुबह के 3 बजे के शो हो रहे थे, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं सुबह 7:30 बजे सोकर उठा, तब मेरी पत्नी ने मुझे इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सिनेमाघरों के वीडियोज भी दिखाए। उनकी आंखों में आंसू थे। ये हम दोनों के लिए ही भावुक पल था। सनी सर इसके हकदार थे क्योंकि वो हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन लोग स्टारडम को बॉक्स ऑफिस के नंबर्स से जज करते हैं। इसमें उनकी गलती भी नहीं है। इंडस्ट्री में मेरे अलावा किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि गदर 2 को ऐसी ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड करीब 691 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म ने सनी देओल के करियर को एक नया जीवन दान दिया। गदर 2 के बाद सनी की कई फिल्में शुरू हुई। इसमें लाहौर 1947, रामायण और बॉर्डर 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर जैसे एक्टर्स ने काम किया था। वही अनिल शर्मा फिलहाल अपनी अगली फिल्म वनवास अ जर्नी ऑफ लाइफ पर काम कर रहे हैं, जो इसी साल रिलीज होगी। साथ ही वो गदर 3 पर भी काम कर रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। मैं हूं गरिमा, देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।